हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ सीएनटी, मतलब कार्बन नैनो ट्यूब्स। ठीक है, सो अगर हम बात करें इस वीडियो में, हम आपको प्रॉपर्टीज बताएंगे, पांच प्रॉपर्टीज बताएंगे सीएनटी। जैसे पहली है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कि कार्बन नैनो ट्यूब्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कैसे होती है एज कम्पेयर टू कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सेकेंड, थर्मल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, वाइब्रेशनल प्रॉपर्टीज एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी प्रॉपर्टीज हम बताएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस बताएंगे सीएनटी का हमारी लाइफ में। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का वेलकम है आरके फिजिक्स पॉइंट में। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की। किसके बारे में बात करते हैं? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की। अगर हम बात करें जो हमारे सीएनटी होते हैं, है ना, हमारे जो सीएनटी होते हैं आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब ये लाइन सुन के आपको अपनी क्लास 9th 10th याद आ गई होंगी, है ना। बड़ी सिंपल सिंपल सी लाइन हमें लिख दी, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। वो ठीक है, वो हम जानते हैं कि सीएनटी जो है वो एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन वो कितना अच्छा कंडक्टर है ये एक बार हमें चेक करना पड़ेगा। जब ये चेक करा गया कि सीएनटी जो है वो कितना अच्छा कंडक्टर है एज कम्पेयर टू कॉपर से, क्योंकि कॉपर हमारे पास सबसे अच्छा कंडक्टर है, वो अच्छा कंडक्टर माना जाता है और हर जगह वो यूज भी होता है। तो ये देखा गया कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक वायर है ना, हमारे पास एक वायर है जिसका एरिया हमारा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है भाई मेरे? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया। और मान लीजिए इसकी लेंथ कितनी है भाई मेरे? 1 मीटर। 1 मीटर कह लीजिए या 1 सेंटीमीटर कह लीजिए, ये हो गया मेरा 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर या मीटर। ठीक, तो अब इस ये हमारा कॉपर का वायर है, ये हमारा क्या है? कॉपर का वायर। तो इसमें ये देखा गया कि इसमें कितनी करंट फ्लो कर सकती है विदाउट मेल्टिंग, मतलब ये मेल्ट ना हो, इसमें कितनी करंट फ्लो कर सकती है, ये कितनी करंट को कंडक्ट कर सकता है। तो ये देखा गया कि इसके अंदर 1 मिलियन करंट फ्लो कर सकती है, 1 मिलियन एम्पियर, 1 मिलियन एम्पियर। कॉपर की ये खासियत है कि वो कम, अब ज्यादा से ज्यादा कितनी करंट फ्लो करा सकता है अपने थ्रू, वो 1 मिलियन एम्पियर की करंट फ्लो करा सकता है अपने अंदर मेल्ट, बिना मेल्ट करे। ठीक है, ये इसकी खासियत है भाई साहब, 1 मिलियन एम्पियर। ठीक, अच्छा, लेकिन जब हमने सीएनटी को देखा, मान लीजिए हमारे आप सीएनटी की ट्यूब है, ये हमारे पास क्या है? सीएनटी है, ये हमारा क्या है भाई? सीएनटी। और इसमें जब देखा गया कि ये कितनी करंट को अपने अंदर फ्लो करा सकता है, तो आप बिलीव नहीं करोगे इसके अंदर करंट फ्लो होती है 1 बिलियन एम्पियर। मतलब ये कि जो कॉपर है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, अच्छा कंडक्टर है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अच्छा हमारा सीएनटी है। अगर आप ध्यान से देखो, कंपैरिजन अगर आप करके देखो, कि कॉपर जो है वो 1 मिलियन एम्पियर करंट पास करा सकता है, लेकिन अगर हम बात करें सीएनटी की, वो 1 बिलियन करंट को अपने पास करा सकता है। 1 बिलियन, यू बिलीव दिस? 1 बिलियन करंट को। यहाँ तक समझ में आता है कि नहीं आता? ठीक, अब सवाल यहाँ पर यह आया कि यार मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो क्यों हो रहा है? सीएनटी में ऐसी क्या चीजें हैं कि वो एक अच्छा कंडक्टर है एज कम्पेयर टू कॉपर? तो इसका जो रीजन है, वो रीजन यहाँ पर आपके लिए लिखा जाएगा। रीजन की अगर हम बात करें तो रीजन है सीएनटी इज बेटर कंडक्टर देन कॉपर। रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर मैं बात करूं कॉपर की, तो कॉपर देखो बेसिकली एक सॉलिड है। अब सॉलिड की अगर हम बात करें, तो सॉलिड में देखो डिफेक्ट्स तो होंगी, है ना, डिसलोकेशन हो सकता है, ग्रीन बाउंड्री हो सकती है, या फिर एज डिसलोकेशन हो सकता है, कुछ मतलब डिफेक्ट्स हो सकते हैं। मतलब क्या हो सकते हैं भाई मेरे? डिफेक्ट्स हो सकते हैं। मतलब ये, अब जरा दिमाग लगाना, करंट को रोकने वाला कौन? रेजिस्टेंस। करंट को रोकने वाला कौन? रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द कंडक्टर, एटम्स का अरेंजमेंट कंडक्टर के अंदर, क्योंकि एटम्स का अरेंजमेंट जो है वही इलेक्ट्रॉन को जाने से रोकता है, जिसकी वजह से एक रेजिस्टेंस आता है और जिसकी वजह से करंट घटती है। तो अगर जितने ज्यादा डिफेक्ट्स होंगे किसी भी सॉलिड स्टेट में, जैसे कि कॉपर की अगर मैं बात करूँ, अच्छे उसमें डिफेक्ट्स होते हैं, उन डिफेक्ट्स की वजह से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? हाई, और करंट ज्यादा नहीं फ्लो करता। ठीक है, सीएनटी में ऐसा नहीं है। अगर मैं बात करूं कार्बन नैनो ट्यूब्स में, तो इसमें जो डिफेक्ट होते हैं वो बहुत कम होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा नहीं होते हैं, होते हैं, लेकिन बहुत कम। सीएनटी में जो डिफेक्ट्स होते हैं, डिफेक्ट्स इन सीएनटी इज वेरी लो एज कंपेयर टू कॉपर। क्लियर? कार्बन नैनो ट्यूब्स में जो डिफेक्ट्स होते हैं यार, वो बहुत कम होते हैं, वो बहुत ज्यादा कम होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से फ्लो कर पाते हैं और करंट ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है इसमें? फ्लो हो सकती है। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा रीजन देखने को मिला
सीएनटी में याद रखिएगा कार्बन नैनोट्यूब्स में डिफेक्ट्स कम है, जिसकी वजह से एक अच्छी खासी करंट वहां पर फ्लो कर पाती है, और इसी वजह से वो एक अच्छा खासा, एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रिकल क्या है, कंडक्टर माना गया है। यहां तक समझ में आता है? कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है? यहां तक समझ में आया? बहुत बढ़िया। उसके बाद यहाँ पर एक चीज और देखी गई कि जो सीएनटी है हमारी, ये दो तरीके की होती है, मेटलिक भी होती है और सेमीकंडक्टर भी होती है। ध्यान देखना, सीएनटी की अगर मैं बात करूं तो ये मेटलिक भी होती है। मेटलिक मतलब क्या, कि एट रूम टेम्परेचर वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। लेकिन अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर की, है ना, ये सेमीकंडक्टिंग भी होती है। सेमीकंडक्टिंग मतलब ये कि एट रूम टेम्परेचर वो बिहेव करेगा एज अ इंसुलेटर, एज अ इंसुलेटर। तो सेमीकंडक्टिंग सीएनटी क्या काम है, रूम टेम्परेचर में इंसुलेटर की तरह काम करती है। ये कहते हैं भाई हम इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते, तो जब इनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ये कंडक्टर की तरह काम करती है। ये बेसिक डेफिनेशन है सेमीकंडक्टर की, है ना, बेसिक डेफिनेशन है सेमीकंडक्टर की। तो एक चीज यहाँ पर देखी गई सीएनटी की। अच्छा, मेटलिक का तो हमें समझ में आ गया, मेटलिक तो यार कंडक्ट करेगा ही, अच्छी खासी कंडक्ट करेगा एज कम्पेयर टू कॉपर। सेमीकंडक्टर का थोड़ा सा अलग खेल है। इसका खेल ये है कि जो सीएनटी होगा हमारा, जो कार्बन नैनो ट्यूब होगी, उसका एक डायमीटर होगा। उसका क्या होगा भाई मेरे, डायमीटर होगा। अगर मैं इसके डायमीटर को बढ़ाता हूं तो एक ग्राफ हम प्लॉट करेंगे इसके बीच में। जरा देखना किसके बीच में, एनर्जी गैप, एनर्जी गैप ये क्या है भाई मेरे, एनर्जी गैप। एनर्जी गैप किसके बीच में, आप जानते ही होंगे भाई एनर्जी गैप सेमीकंडक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है, ये है हमारा ईजी और ये है मेरा 100/d। 100/d मतलब डी फॉर डायमीटर। तो अगर हम इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है ऐसे। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब मैं इस डायमीटर को बढ़ाऊंगा, जब मैं इस डायमीटर को क्या काम करूंगा, बढ़ाऊंगा, तो ये एनर्जी गैप धीरे धीरे कम होगा। ये एनर्जी गैप धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। मतलब ये कि व्हेन वी इंक्रीज द डायमीटर ऑफ सीएनटी, जो एनर्जी गैप डिक्रीज। ठीक है, ये एक चीज ऑब्जर्व करी गई कि अगर मैं एक सीएनटी के डायमीटर को बढ़ाता हूँ तो धीरे 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 उसको जो एनर्जी का गैप होगा वो क्या होता रहेगा भाई मेरे, कम होता रहेगा। वो क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। मतलब वो सेमी कंडक्टिंग सीएनटी की तरफ किसकी तरफ अप्रोच करेगा, मेटलिक सीएनटी की तरफ क्या करता रहेगा, वो अप्रोच करेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है, ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में देखें, खुद दिमाग लगाओ, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, अगर अच्छी खासी हीट, सॉरी अच्छी खासी अगर करंट फ्लो हो रही होगी सीएनटी में तो अच्छी खासी हीट भी बन रही होगी। अच्छी खासी क्या बन रही होगी, हीट भी बन रही होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, थर्मल प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टी। अगर भाई मेरे एक अच्छी खासी इसमें करंट पास हो रही होगी तो इसका मतलब ये कि एक अच्छी खासी हीट भी इसमें क्या हो रही होगी, बन रही होगी, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हम जानते हैं ना भाई जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के तहत जो हीट होगी वो किसके इक्वल होगी, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। तो अगर करंट बनेगी तो क्या बनेगी, हीट बनेगी। अगर करंट बढ़ेगी तो क्या बनेगी, हीट बनेगी। सही, तो इसकी वजह से हम इसकी अकॉर्डिंग टू, मतलब ड्यू टू हाई करंट इन सीएनटी, सीएनटी आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया? तो भैया इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, कंपैरिजन हमने आपको बता दिया, हीट का भी अच्छा कंडक्टर है, क्योंकि अगर अच्छी खासी करंट फ्लो कर रही होगी तो अच्छी खासी हीट भी बन रही होगी। क्लियर है? इतनी सी बात, जल्दी से वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। थर्ड बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की, तो सिंपल सी प्रॉपर्टी जल्दी से करें, हटा दें इसको। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। क्या करते हैं भाई मेरे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखो क्या है कि जो सीएनटी है, सीएनटी शोज नेगेटिव मैग्नेटो रेजिस्टेंस इफेक्ट,
नेगेटिव मैग्नेटो रेजिस्टेंस इफेक्ट। जरा ध्यान दें भाई साहब, जो सीएनटी है हमारी कार्बन एनर्ड ट्यूब्स है वो शो करता है नेगेटिव मैग्नेटो रेजिस्टेंस इफेक्ट। अब मैग्नेटो रेजिस्टेंस इफेक्ट क्या होता है अगर आपको नहीं पता, तो एक डिटेल वीडियो मैं उसके ऊपर बना चुका हूँ, आपने इतना प्यार दिया उस वीडियो में, क्लियर। सो वो वीडियो के लिए आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं मैग्नेटो रेजिस्टेंस बाय आरके फिजिक्स पॉइंट, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी और एक बहुत अच्छी वीडियो है, उसके अंदर मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया है मैग्नेटो रेजिस्टेंस का और पूरी डेरिवेशन भी मैंने आपको करवाई है, क्लियर। सो अगर आपको नहीं पता मैग्नेटो रेजिस्टेंस इफेक्ट तो आप वहां पर वीडियो मतलब देख सकते हो। देखो एक सिंपल से ये समझ लो, इस सिंपल सा समझ लो, मैग्नेटो रेजिस्टेंस मतलब मैग्नेटो मतलब मैग्नेटिक फील्ड, रेजिस्टेंस तो आप जानती हो, मतलब ये कि अगर मैं किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करता हूँ और उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो इस इफेक्ट को हम मैग्नेटो रेजिस्टेंस इफेक्ट कहते हैं। समझ में आ गया, शॉर्ट में मैंने बता दिया क्या, मैंने फिर से बोलो, एक कंडक्टर में या किसी भी चीज में जब मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूँ और उसका रेजिस्टेंस बदल जाए तो उस इफेक्ट को हम कहते हैं मैग्नेटो रेजिस्टेंस इफेक्ट, ठीक है। चलो भाई इधर आ जाओ, अब सीएनटी जो है वो नेगेटिव मैग्नेटो रेजिस्टेंस इफेक्ट देखता है, मतलब ये कि जब मैं अप्लाई करूंगा मैग्नेटिक फील्ड ऑन सीएनटी, तो जो रेजिस्टेंस होगा सीएनटी का वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, जब दिमाग लगा बताए, नेगेटिव है तो मतलब क्या होगा, जो रेजिस्टेंस होगा डिक्रीज, रेजिस्टेंस ऑफ डिक्रीज, ये इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी याद रखेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सीएनटी जो है वो नेगेटिव मैग्नेटो रेजिस्टेंस इफेक्ट दिखाता है, मतलब ये कि अगर मैं उस पर मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करूंगा तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब वो बेहतर कंडक्टर की तरह काम करेगा, ठीक है। फोर्थ है हमारा वाइब्रेशनल प्रॉपर्टी, अच्छा इधर ध्यान दो, कोई भी सॉलिड है, ध्यान से समझना इस चीज को, कोई भी सॉलिड या कोई भी मटेरियल है उसके वो किससे बना है, एटम से या मॉलिक्यूल से बना है। अब जो एटम से मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, अपनी मीन पोजीशन पे क्या करते हैं भाई मेरे, वाइब्रेट करते हैं, क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, जिनको हम मोड्स ऑफ वाइब्रेशन करते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके होते हैं वाइब्रेशन के लिए, मतलब ये कि जो वाइब्रेशंस होती हैं, वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, क्या कहते हैं भाई मेरे, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि जो वेव है वो एक एयर कॉलम के अंदर कितने तरीके से वाइब्रेट कर सकती है, बहुत तरीके होते हैं मोड ऑफ वाइब्रेशन के, नॉड एंटी नॉड बनता है, मतलब आसान भाषा में आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ सॉलिड की, तो सॉलिड में एटम मॉलिक्यूल्स अपनी मीन पोजिशन पर बैठे रहते हैं, वो मूव नहीं करते, लेकिन वो वाइब्रेट करते हैं, वो क्या करते हैं भाई मेरे, वाइब्रेट करते हैं, और वो वाइब्रेशन जो होती है वो अलग अलग तरीके की होती है, उनको हम क्या कहते हैं, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। ठीक सीएनटी भी जो है, जो आपकी जो सीएनटी है वो किससे बनी है, कार्बन के एटम से मिलके बनी है, ठीक है वो नैनो मटेरियल, लेकिन बनी तो कार्बन के एटम से ही है, और कार्बन के एटम वो सॉलिड स्टेट में है, तो वो क्या काम करेंगे, वो भी क्या करते हैं भाई मेरे, वाइब्रेट करते हैं, वो भी क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। अब यहाँ पर दो तरीके की वाइब्रेशन है, जरा दिमाग लगाना, दो तरीके की वाइब्रेशन है, एक को हम कहते हैं E1G और एक को हम कहते हैं A2G, है ना, एक है हमारी E1G और एक हम कहते हैं A2G, एक सॉरी इसको टू कहते हैं, इसको वन कहते हैं, इसको टू कहते हैं थोड़ा, ठीक है, इसको हम कहते हैं E2G और ये हो गया हमारा A1G। अब E2G वाइब्रेशन क्या होती है, इसको इसको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, रुको जरा ध्यान से, इसको ऐसा समझो, जरा ध्यान दो, ये क्या बवाल है भाई साहब, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एक सीएनटी है, हमारे पास क्या है, एक सीएनटी है, तो हम क्या काम कर रहे हैं, उसके बीच में से ऐसे करके देख रहे हैं, तो होगा क्या, हमको एटम देखने को मिलेंगे यू करके, ऐसे तो देखने को मिलेंगे, हमें यहाँ पर कार्बन के एटम देखने को मिलेंगे, अगर मैं उसको सर्कल वाला पार्ट देखूँ तो मैं सीएनटी को ऐसे ना देख के ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ भाई मेरे, ऐसे देख रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या काम मिलेगा, मुझे कार्बन के क्या मिलेंगे, एटम्स मिलेंगे, ये कार्बन के एटम्स, ये क्या है भाई मेरे, कार्बन के एटम्स, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब ध्यान दो,
अब अगर कार्बन के एटम्स, मान लीजिए यह हमारा हाफ सर्कल है, तो आधे कार्बन के एटम इधर होंगे, आधे कार्बन के एटम इधर होंगे, आधे इधर होंगे, आधे क्या होंगे, इधर होंगे। मान लो इधर के जो एटम है वो क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, और इधर के एटम क्या काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब कि स्क्वीज कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान समझो इस चीज को, यहाँ पर इस चीज को ध्यान से देखो। मान लो यहाँ के एटम ऐसे करके एक्सपेंड कर रहे हैं, यहाँ के क्या काम कर रहे हैं, अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद यहाँ के एक्सपेंड करेंगे, यहाँ के कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसे वाइब्रेशन को, यहाँ पर एक वाइब्रेशन ही मेरे दिमाग लगाओ, ध्यान से सोचो 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 सोचो, ऐसे करके मान लो ये एक्सपेंड कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, क्या वाइब्रेशन देखने को मिल रही कि नहीं मिल रही, क्या वाइब्रेशन देखने को मिल रही कि नहीं मिल रही। इस वाइब्रेशन को हम कहते हैं ई टू जी वाइब्रेशन, ई टू जी मोड ऑफ वाइब्रेशन फॉर सी एन टी। ठीक है, ई टू जी वाइब्रेशन, यहां पर क्या आधा हिस्सा एक्सपेंड करेगा, आधा हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये एक्सपेंड करेगा, कुछ इस तरीके से। क्लियर, ये है हमारा मोड ऑफ वाइब्रेशंस। अब ये ज्यादा नहीं होगा, मैं वो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हो जाएगा कि भाई साहब ये यहां से यहां तक एक्सपेंड करेंगे, नहीं, थोड़ा सा, क्लियर, मतलब कि जो हाफ पार्टिकल्स, जनरली कह रहा हूं हाफ, जरूरी नहीं हाफ ही हो, मैं बस बता रहा हूं जनरली, एक्सपेंड अवे फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर है मान लो वो, टूवर्ड सेंटर, समझ में आ गया, क्लियर है, ये एक वाइब्रेशन समझ में आ गई। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं ए वन जी की, तो ये वाइब्रेशन बहुत आसान सा है, ये वाइब्रेशन है कुछ इस तरीके से, या तो एक्सपेंड करेंगे, या क्या काम करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब या तो वो भाई साहब एक्सपेंड करेंगे एक बार, क्या करेंगे, एक्सपेंड सारे के सारे एक साथ, ये हो गया हमारा एक्सपेंशन, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन का, और ये हो गया हमारा एक्सपेंशन। यहां पर क्या होगा, ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड, ये ऐसे वाइब्रेशन होगा, इसको हम क्या कहेंगे, एवन जी, क्या कहेंगे, एवन जी। यहां पर कॉन्ट्रैक्शन देखने को भी मिलेगा और एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, क्लियर, समझ में आ गया। दोनों वाइब्रेशन अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करेंगे, याद रखना, सी एन टी, अगर कोई सी एन टी ये वाइब्रेशन देता है तो उसकी अलग प्रॉपर्टीज होंगी, ये वाइब्रेशन दिखाता है तो उसकी अलग प्रॉपर्टीज होंगी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, वाइब्रेशन चेंज होने से प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाए। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। लास्ट बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की, जल्दी से इसको नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके चलिए हटा दें, बहुत बढ़िया। लास्ट है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी, क्या है भाई मेरे, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो यहां पर एक वायर है ना, यहां पर एक कॉपर का वायर है ऐसे करके, और हमने क्या काम करा, यहां पर हमने एक वेट डाल दिया, यहां पर हमने क्या काम करा, वेट डाल दिया, या फिर हमने कोई फोर्स लगा दिया, यहाँ पर हमने क्या काम करा, फोर्स लगा दी ऐसे करके, एफ, इसको ऐसे करके खींच दिया, ठीक है, तो होगा ये कि हल्का सा क्या काम करेगा, मान लीजिए स्ट्रेच होगा, हल्का सा क्या काम करेंगे, स्ट्रेच होगा, ठीक है। मान लो उसकी लेंथ थी एल, और जो लेंथ में चेंज आया वो कितना आ गया, डेल, कितना आ गया भाई मेरे, डेल, कितना फोर्स लगा के, एफ फोर्स लगा के, कितना फोर्स लगा के, एफ फोर्स लगा के। तो हम ये जानते हैं कि जो स्ट्रेस होगा या फिर जो स्ट्रेन होगा वो किसके इक्वल होगा, स्ट्रेन होगा डेल एल अपॉन में एल, चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ, यही तो होता है हमारा स्ट्रेन, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा ये फर्स्ट इक्वेशन, आपने स्ट्रेस भी पढ़ा होगा, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया, आपने कितने फोर्स लगाई, कितने एरिया में लगा, ये रहा देखो एरिया, ये रहा हमारा एरिया, क्योंकि इतने से हिस्से में हमने फोर्स लगाई है, ठीक है, फोर्स अपॉन में एरिया, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ,
आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, आप जानते हैं कि जो स्ट्रेस होगा वो इक्वल होता है कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन के, मतलब ये जो के है, ये जो कांस्टेंट है यहां पर, हम उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं यंग्स मॉडुलस। क्या कहते हैं भाई मेरे, यंग्स मॉडुलस। अगर लेंथ में चेंज आया तो, अगर लेंथ में चेंज आया तो यंग्स मॉडुलस। तो ये यंग्स मॉडुलस किसके इक्वल हो, जरा बता सकते हो? यंग्स मॉडुलस इक्वल होगा स्ट्रेस अपॉन मी स्ट्रेन, मतलब कि फोर्स अपॉन मी एरिया, एल अपॉन मी डेल, एल अपॉन मी डेल, ये है हमारा यंग्स मॉडुलस। अब सवाल ये है कि यंग्स मॉडुलस जो है वो क्या बताता है, क्या बताता है? अगर मान लो अलग अलग मटेरियल है, उनके यंग्स मॉडुलस की अलग अलग वैल्यू आ रही, तो वो वैल्यू क्या बताएगी? वो वैल्यू बताएगी वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस टेल्स अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल आपके पास है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी भी एक क्वांटिटी है जिसको मेजर करते हैं, ये इतना फ्लेक्सिबल है, ये इतना फ्लेक्सिबल है। तो इतना इतना अगर आ गया तो भाई साहब नंबर है, आप बता सकते हो कि ये इससे 2 गुना ज्यादा फ्लेक्सिबल है। तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू फ्लेक्सिबिलिटी को बताती है, जो भी हमारे पास मटेरियल उसकी फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी को बताएगा, कौन? वाई की वैल्यू। लेकिन अब यहां पर कंफ्यूजन फिर हो गई होगी कि वाई की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो फ्लेक्सिबिलिटी कम है या ज्यादा है? खुद दिमाग लगा के बताओ। अगर मैं इस रिलेशन को, मैंने जो प्रूफ करा क्यों करा, क्योंकि इस रिलेशन में हमको ये बात समझ में आ रही है, अगर लेंथ में चेंज ज्यादा हो रहा है, लेंथ में चेंज ज्यादा हो रहा है मतलब ये कि वो बहुत जल्दी से फ्लेक्सिबल है, खिंच रहा है। अरे भाई डेल अगर बढ़ेगा तो खिंच रहा है ना आसानी से, तो इसका मतलब यंग्स मॉडुलस कम होगा। यंग्स मॉडुलस क्या होगा? कम होगा। लेकिन अगर मान लो लेंथ में चेंज बहुत कम है तो वाई क्या होगा? ज्यादा। मतलब ये कि जो वाई है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा फ्लेक्सिबिलिटी। अगर मान लो कोई वायर या कोई मटेरियल ज्यादा फ्लेक्सिबल है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल रबर, अगर मान लो वो बहुत फ्लेक्सिबल है, इसका मतलब उसकी यंग्स मॉडुलस की वैल्यू बहुत कम है। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू बहुत कम है, मतलब हल्की सी ही फोर्स में वो जल्दी खिंच जाएगा। अगर मान लो कोई मटेरियल बहुत कम फ्लेक्सिबल है, तो इसका मतलब उसकी यंग्स मॉडुलस की वैल्यू ज्यादा होगी, उसकी यंग्स मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक, यहां तक समझ में आता है। अब सवाल ये आता है कि सीएनटी जो है अपना, उसकी वैल्यू कितनी होती है? तो सीएनटी की अगर मैं बात करूं, तो सीएनटी की जो वाई की वैल्यू है वो करीब करीब इतनी रखी जाती है, 1.28 टेरा पास्कल से लेके 1.8 टेरा पास्कल। ये हमारा क्या है? ये टेरा पास्कल है। एक टेरा पास्कल में 10^7 ATM होते हैं, हाँ। तो आपको वैल्यू देख के समझ में आ रहा है कि यार 1.28 टेरा पास्कल और 1.8 टेरा पास्कल, इतना प्रेशर मतलब इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी सीएनटी को खींचने के लिए, फ्लेक्सिबल करने के लिए। अगर मैं बात करूं कॉपर की, तो जरा कॉपर का देख, कॉपर छोड़ो सॉरी स्टील का देखो। स्टील का जो होता है वो होता है हमारा 0.21 टेरा पास्कल। स्टील का तो कहा जाता है कि वो काफी फ्लेक्सिबल है। स्टील का अगर हम बात करें तो होता है 0.21 टेरा पास्कल। तो आप खुद सोचो सीएनटी कितना, कौन ज्यादा फ्लेक्सिबल है, सीएनटी या स्टील? सॉरी स्टील। क्लियर? सीएनटी जो है उसका यंग्स मॉडुलस की वैल्यू ज्यादा है, मतलब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, वो स्टिफ होगा, मजबूत होगा, आसानी से फ्लेक्सिबल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ स्टील की, स्टील को ये कहा जाता था कि वो सबसे स्टिफ है, सबसे स्ट्रांग है, वो बहुत ही कम फ्लेक्सिबल है। लेकिन भाई साहब उससे ज्यादा मतलब उससे और ज्यादा स्टिफ हमारा कौन है? हमारा सीएनटी। क्लियर? तो ये कुछ वैल्यूज हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये प्रॉपर्टीज थी किसकी? सीएनटी। उसके बाद अगर हम बात करें इसके एप्लीकेशंस की, जैसे ये यहाँ पर हमने लिखा भी है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है? इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, जैसे कि ये अच्छा कंडक्टर है, तो उसको सेल, फ्यूल सेल बनाने के लिए यूज करा जाता है। लिथियम का जो मटेरियल है उसके अंदर फिल करा जाता है, फिर उसको सेल्स बनाने के लिए यूज करा जाता है। उसके बाद कनेक्टिंग वायर्स के लिए इसको यूज करा जाता है, फील्ड इमिजन्स के लिए इसको यूज करा जाता है। ठीक है, यहाँ तक कि अगर हम बात करें कि हमारा जो सीएनटी है ये बायोलॉजी के, अगर हम बात करें बायोलॉजिकल उसमें प्रोस्पेक्टिव में जाए तो इसका काफ़ी यूज़ है। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इसका काफ़ी यूज़ है ना। सो और बहुत सारी मेडिसिन में इसका यूज़ करा जाता है।
ये हमारा कार्बन नैनो ट्यूब का प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन की एक छोटी सी वीडियो आपके साथ मैंने शेयर करी। और इसी के साथ हमारी जो पूरी फिजिक्स ऑफ नैनो मटेरियल की जो सीरीज चल रही थी वो फिनिश हुई है ना। हमने शुरुआत करी थी इंट्रोडक्शन ऑफ नैनो मटेरियल से, और आज हमारी ये जो सीरीज है ये लास्ट लेक्चर है फिजिक्स ऑफ नैनो मटेरियल का, जो प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन। आई थिंक 20 लेक्चर्स हो गए हैं, 20 लेक्चर हैं। तो इसी लेक्चर के साथ फिजिक्स ऑफ नैनो मटेरियल फिनिश होती है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।